हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने नंबर की एक वीडियो अपलोड कर दी है और उसमें मैंने आपको नंबर के टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो चलते हैं सीधे नियमों की ओर। देखिए, सबसे पहला जो रूल है, पहला रूल है, जनरली किसी भी नाउन के साथ एस या एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। आपको पता है, ये आपने छोटी क्लासेज में भी देखा है कि शर्ट है तो हम उसमें एस लगा लेंगे, फैन में एस लगा लेंगे, हॉर्स में एस लगा लेंगे, पेन में लगा लेंगे, चेयर में लगा लेंगे, फ्रेंड में लगा लेंगे। इस तरह से इनके हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। ये बहुत छोटे बच्चों वाला काम है, ये आपको आता होगा। सेकंड देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड, इनमें से कोई भी है, ठीक है, फिर से देख लीजिए, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड, अगर इनमें से कोई भी है तो हम उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, हम उसके लास्ट में जोड़ेंगे ई एस को, और इस तरह से हम उसका प्लूरल बना देंगे। यहाँ हम किसके प्लूरल बनाने की बात कर रहे हैं, नाउन के प्लूरल, ठीक है, जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि नाउन के दो ही नंबर होते हैं, आपको पता है, सिंगुलर और प्लूरल, बाकी नंबर किसके होते हैं, वे गणितीय संख्याओं के होते हैं। ये भी उन्हीं के ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनमें आपको ई एस लगाना है, डबल एस आया है, एस आया है, सी एच आया है, तो हम इनमें ई एस लगाएंगे। थर्ड रूल देखिए, यदि किसी सिंगल कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है, कॉन्सोनेंट आप जानते हैं बच्चा क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांच लेटर्स को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, सब कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर वाई से पहले उनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट आया है, उन 21 लेटर्स में से कोई भी लेटर आया है, तो हम उस वाई को हटा देंगे, किस टाइम पर, उसका प्लूरल बनाते टाइम पर, और हम लगा देंगे आई के, वाई की जगह तो ले लेगा आई और बाद में लग जाएंगे ई एस, ठीक है। जैसे नर्स में क्या, नर्सरी में क्या आया, वाई आया है और उससे पहले आया है आर, आर एक कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटाएंगे और उसकी जगह आई लगाएंगे और फिर ई एस लगाएंगे। ऐसे ही आर्मी में एम कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाएंगे आर्मी में से, आई लगाएंगे और ई एस लगा देंगे। सेम हमें इन सब में करना है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए फोर्थ रूल, देखिए फोर्थ रूल को, परंतु याद रहे, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है और वाई के पहले कोई वोवल है। देखिए बच्चों, अभी क्या था, वाई के पहले कॉन्सोनेंट था, मैंने बताया था पांच लेटर्स को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ और यू, अगर कोई बचे हैं 21 लेटर भी होते कॉन्सोनेंट। अभी जो पांच लेटर, ये क्या है, ये वोवल है, और अगर वाई से पहले ये आ जाते हैं, अगर कोई वोवल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाते नहीं हैं, हम उसको ऐसे ही रखते हैं, बस क्या करते हैं, एस को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, मंकी में क्या है, वाई से पहले ई है और ई एक वोवल है, तो हमने क्या किया, मंकी में से वाई को नहीं हटाया, केवल एस को लगा दिया। ऐसी टॉय है, टॉय में क्या है, ओ है, ओ एक वोवल है, तो हमने वाई को नहीं हटाया, एस लगा दिया। ऐसे ही हमने सब में किया है, क्योंकि सबसे पहले एक वोवल आया हुआ है। आगे देखते हैं फिफ्थ रूल, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बना देते हैं। देखिए क्या कहा, लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट फिर से वही कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो भी बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट हैं, अगर वे आते हैं ओ से पहले, तो हम क्या करते हैं, ओ में, ओ के बाद हम ई एस का प्रयोग करके उसका क्या, उस नाउन का प्लूरल बना लेते हैं जिस नाउन में भी ओ आया हुआ है, ठीक है। जैसे बुफेलो को देखिए, बुफेलो में क्या है, ओ से पहले एल है और एल एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, ई एस का प्रयोग किया। मॉस्किटो में भी ओ से पहले टी एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने ई एस का प्रयोग किया, ठीक है। मैनिफेस्टो में भी हमने ऐसे ही किया, क्योंकि ओ से पहले टी है। मैंगो में भी ऐसे ही किया, क्योंकि ओ से पहले जी है। टोमेटो में भी ऐसे ही किया, क्योंकि ओ से पहले टी है, ठीक है। सब में हमने ई एस को जोड़ा है। सिक्स्थ रूल देखिए, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर उनका प्लूरल बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, अपवाद भी तो होते हैं बच्चों, तो ये इनके अपवाद है, जो ऊपर नियम गए उसके कुछ अपवाद है जिन पर ये नियम लागू नहीं हो सकता, ठीक है। ये कुछ अपवाद है, जैसे किलो में भी आपको दिख रहा है कि ओ से पहले एल आया है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसमें ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे,
केवल एस का प्रयोग करेंगे, फोटो में भी ऐसे ही करेंगे, पियानो में भी ऐसे ही करेंगे और कमांडो में भी ऐसे ही करेंगे। जो कमांड है उसमें भी ऐसे ही होगा, हम कभी भी उसमें ES का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये चारों ही वर्ड अपवाद है किसके, पांचवें नियम के। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर F है या FE है तो हम क्या करेंगे, F को या FE को हटा देंगे और उसकी जगह हम लगा देंगे VES। इस तरह से हम उस नाउन का प्लूरल बना लेंगे जिसमें भी हम, जिसका भी हम प्लूरल बनाने जा रहे हैं और उसके लास्ट में F आया है या FE आया है, तो हम उनको हटाकर क्या कर देंगे, VES लगाकर प्लूरल बना देंगे। जैसे आपको हाफ दिख रहा है, HALF, F आया है, F को हटा दिया और जगह ले ली VES ने। लॉफ में भी क्या हुआ, F हटाया, जगह ले ली VES ने, है ना। सेल्फ में भी क्या हुआ, इसमें भी हमने क्या किया, स्लैप में भी हमने F हटाया और VES का प्रयोग कर दिया। वाइफ में भी ऐसे ही किया, F को हटाया, VES का प्रयोग कर दिया। कब किया, जब हमें ये बहुत सारे दिखाने हो कि एक इंसान नहीं, ये बहुत सारे हैं, तब हम ऐसा करते, एक सामान नहीं बहुत सारे, जब हमें ऐसा करना हो। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है, आठवां नियम देखिए, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके लास्ट में F या डबल F या FE, देखिए तीन ध्यान दीजिए, F, डबल F या FE रहते हैं, लेकिन सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये भी अपवाद है किसका, इससे ऊपर वाले नियम का। जैसे आप देखिए प्रूफ है, प्रूफ में F आया है लेकिन हम क्या करेंगे, S लगाएंगे, F को हटाकर VES का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अपवाद है। जो अपवाद है उन वर्ड को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए कि इनके साथ हमें वो नियम फॉलो नहीं करना है। चार ऊपर वर्ड गए हैं जिनमें आपको क्या करना है, ES नहीं लगाना है। चार वर्ड आप रट लेंगे अच्छी तरह से कि इनके साथ कभी भी O के साथ कॉन्सोनेंट होने पर भी हम ES का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये अपवाद है। ऐसे ही आप इन पांच वर्ड को रट लेंगे कि भाई इनमें F या FE होने पर भी हम इनके साथ कभी भी F को हटाकर VES का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाएंगे, केवल इनमें S लगाकर इनका बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके बीच के वोवल को बदल कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए बच्चों, जैसे मैन को अगर हमें एक मैन दिखाना हो तो हम ए प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमें उसका प्लूरल बनाना होता है तो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हमने बीच के ए को बदल दिया, हमने उसको ई बना दिया। इस तरह से भी हम कुछ नाउन के क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं उनके बीच के वोवल को चेंज करके। जैसे वुमन था, उसमें ए था, हमने जब उसका विमन बनाया, बहुवचन बनाया, बहुत सारी औरतें बनाया, तो हमने क्या किया, उस ए को ई बना दिया। जैसे आप अगला वर्ड देखिए, गूज है, गूज में डबल ओ है, जिसको कल हंस बोलते हैं, गूज गल कल हंस होते हैं। जब हमने इसका बहुवचन बनाया तो हमने गूज में डबल ओ को डबल ई में बदल दिया। जैसे फुट है, फुट में भी हमने डबल ओ को डबल ई में बदल दिया। टूथ में भी आपने डबल ओ को डबल ई में बदल कर टीथ बना दिया। ठीक है, जैसे माउस है, माउस का बहुवचन देखिए किस तरह से बदला, ये जो ओ और यू थे, ठीक है, ओ और यू को तो बदला ही, साथ में ये जो कॉन्सोनेंट एस आया था इसको भी बदला, ओ और यू की तो जगह ली केवल आई ने और एस की जगह ली सी ने, माउस बन गया माइस। ठीक है, बहुवचन में लाउज देखिए, लाउज क्या होता है बच्चों, लाउज होती है जू, इनमें भी ओ यू को बदल कर आई बनाया, एस को हटा कर ई बनाया। इस तरह से भी हम क्या करते हैं, कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाते हैं उनके बीच के वोवल को चेंज करके। आगे चलिए, नेक्स्ट रूल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ई एन लगा कर भी हम उनका बहुवचन बनाते हैं, या आप आर ई एन लगा कर भी उनका बहुवचन बना सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे चाइल्ड था, चाइल्ड का बहुवचन हमने आर ई एन लगा कर बनाया। ओक्स था, ओक्स का ई एन लगा कर बनाया। ये आपको याद भी होंगे, आपने सुने हुए होंगे ये वर्ड आपको। ब्रदर देखिए, अगर आपका भाई रिलेटिव है वो और ब्रदर लगता है रिश्ते में, तो हम उसको बोलते हैं, उसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो हम उसमें एस लगाते हैं। ठीक है, जब आपका वो रिश्ते में ब्रदर होता है या आप उसको बना लेते हैं, ब्रदर है ना, तो रिश्तेदार अगर ब्रदर होता है या हम रिश्ते में किसी को ब्रदर बना लेते हैं तो हम उसका बहुवचन एस लगा कर बनाते हैं। लेकिन हम अगर देश के भाइयों की बात करें, जैसे कोई भी विदेश जा रहा है और विदेश में जाकर कहने लगे ये मेरे राष्ट्र का भाई है, तो हम उसका बहुवचन बनाने लगे कि भाई ये सब मेरे राष्ट्र के भाई है, तो हम उनको ब्रदर नहीं कहेंगे, हम उनको बोलेंगे ब्रदर्न। ठीक है, उसमें हम ओ को भी चेंज करेंगे और जो यहाँ पर ये, जहाँ पर आर के ये जो है टी एच के बाद ई आर, इसको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टी एच के बाद ई आर, हम क्या करेंगे, टी एच के बाद आर और ई की जगह भी बदलेंगे और एन को भी लगाएंगे, ब्रदर्न बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला नियम है, सामान्य रूप से कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके मेन वर्ड में एस लगाकर बनाया जाता है। देखिए, कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जब कोई नाम बहुत सारे वर्ड से बनता है ना, उसमें ज़्यादा वर्ड रहते हैं। जैसे फादर इन लॉ, फादर है, लो है, इन है, तीन वर्ड को बनाकर मिलाकर ये एक नाम बना जिसको हमने बोला ससुर। इसकी हिंदी क्या होती है, ससुर, फादर इन लो यानी ससुर। तो ये एक इंसान का नाम बना तीन वर्ड्स को मिलाकर, ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। और इनका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो मेन वर्ड, मेन वर्ड क्या है मतलब मेन, इसमें मेन क्या है, किसके मतलब फादर इन लो, तो फादर इसमें मेन वर्ड है। जैसे इसमें सन मेन वर्ड है, मदर मेन वर्ड है, इसमें भी मदर है। तो हम क्या करेंगे, हम इन मेन वर्ड में ही एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, जो उन सभी नियम फॉलो होता है इन पर वो लगाएंगे, बाकी के वर्ड में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे आप पहला देखिए, फादर इन लो, फादर्स इन लो, सन इन लो, सन्स इन लो, मदर इन लो, मदर्स इन लो, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, ठीक है, पासर बाय तो पासर्स बाय, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, कोट मटेरियल यानी कि कोट्स मटेरियल, पिक पॉकेट, पिक्स पॉकेट, देखिए पिक पॉकेट सॉरी, हाँ, तो ये जो पिक, ये जो है पिक पॉकेट, ये होता क्या है, ये होता है जेब कतरा, जो जेब काट लेता है। आगे चलिए अगला नियम देखिए, परंतु कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके बाद वाले शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। देखिए, कुछ तो ऐसे होते हैं जो मेन वर्ड, मेन वर्ड से मतलब होता है हमें ना, हम उसमें ही ऐसे ही एस लगाते हैं जो भी नियम फॉलो करना होता है। लेकिन ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनमें हमें लास्ट वाले में लगाना होता है। मेन वर्ड तो ऐसे ब्रदर है इसमें, है ना, मैन वूमन ये है, लेकिन इनसे हमें मतलब नहीं है, मेन वर्ड से हम क्या करेंगे, इनके लास्ट वाले में लगाएंगे। आप इन नाउन को अच्छे से याद कर लेंगे, ये जो है कि भाई ये मेन वर्ड में किस में लगता है, लास्ट वाले वर्ड में किस में लगता है, इनको आप याद कर लेंगे तभी आपको ये समझ आ पाएंगे, आपको ये याद करने पड़ेंगे। और याद कैसे करेंगे हम इन्हें, आपको कम से कम इन इस वीडियो को 10 बार देखना होगा, तब आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। देखिए, वाइफ फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, वाइफ फ्रेंड्स, क्योंकि हमें लास्ट वाले वर्ड में जोड़ना है। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, मैन ईटर, मैन ईटर्स, यानी कि आप मैन को करेंगे। आगे देखिए, वुमन हेटर, वुमन हेटर्स, वुमन लवर, वुमन लवर्स। नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ कंपाउंड, ये कंपाउंड नाउन के आप सारे नियम अच्छे से याद कर लीजिए, अलग अलग नियम हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही पदों में, मतलब ये इधर आपका ये वाला पद भी और ये वाला पद भी, दोनों ही वर्ड में क्या करना पड़ेगा, आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। और जौन सा नियम भी उन पर लागू होता है उसी नियम को लागू करके, जैसे आपको पता है मैन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसमें ई लगाकर, सर्वेंट में क्या करेंगे, एस लगा देंगे, वुमन में क्या करेंगे, ई लगा देंगे और सर्वेंट में एस लगा देंगे। जैसे लॉर्ड में क्या करेंगे, एस लगा देंगे, जस्टिस में क्या करेंगे, एस लगा देंगे, लॉर्ड में फिर से एस लगा देंगे। लेफ्टिनेंट क्या होता है बच्चों, इसको आप बोलते हैं लेफ्टिनेंट, ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। आगे चलिए, यदि नाउन के अंत में फुल आया हुआ है, ठीक है, तो फुल में एस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। आगे समझ, देखिए जैसे यहाँ पर फुल दिखाई दे रहा है आपको हर वर्ड के लास्ट में, आप केवल क्या करेंगे, इनमें एस लगा देंगे और इनका बहुवचन बना देंगे। आगे देखिए, कुछ अन्य शब्दों के प्लूरल फॉर्म इस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, मिस्टर है, तो मिस्टर का आपको प्लूरल बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, मिसर्स, ठीक है, मिसेज का कैसे बनाएंगे, मैडम्स। आगे चलिए, ये आप याद कर लेंगे दोनों वर्ड। आगे है लेटर, वर्ब, नेक्स्ट रूल, लेटर, वर्ब, डिजिट्स, डिजिट्स आपको पता ही है ना, 1 2 3 4, मतलब लेकिन होनी चाहिए फिगर में, वर्ड में नहीं, फिगर आपको पता है इस तरह से, यानी कि मैथमेटिकली होनी चाहिए, यानी कि आप ऐसे लिख देंगे 8, वो होनी चाहिए फिगर में, वर्ड में नहीं होनी चाहिए। जब डिजिट हो, लेटर हो, ये वर्ब हो, कोई वर्ब आप जानते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पर बात हो सकती है, मेन वर्ब की यहाँ पर बात हो सकती है, जो भी कार्य होते हैं। और क्या होता है, डिजिट का प्लूरल फॉर्म अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया जाता है। देखिए, इनके प्लूरल कैसे बनाएंगे, इनके लिए अलग ही नियम है। क्या नियम है, लेटर क्या है, टी है अकेला, तो हम अब इसको हमें बहुवचन दिखाना है टी को, तो हम क्या करेंगे, टी के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आपको पता है अपोस्ट्रोफी क्या होता है, एक ऊपर की तरफ कोमा और फिर हम लगा देंगे एस। विल क्या है, एक मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है, अगर हम बात करें, है ना, और एक मॉडल भी है ये। तो अगर हमें इसका
प्लूरल बनाना है तो हम इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एट देखिए डिजिट है और वो भी फिगर में है, तो हम इसका भी प्लूरल कैसे बनाएंगे, ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तब इसका हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। आगे देखिए नाइन्थ रूल, यदि किसी शॉर्ट फॉर्म के बाद फुल स्टॉप आया हुआ हो तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, वो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म के बाद अगर फुल स्टॉप आया है, ध्यान से देखिएगा, मतलब मान लिया आपको बी ए लिखना है तो आप दोनों जगह डॉट लगा रहे हैं, बी के बाद भी और ए के बाद भी, इस डॉट को हम फुल स्टॉप ही तो बोलते हैं। अगर ये डॉट आई हुई है तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम उसका प्लूरल बनाएंगे। लेकिन अगर ये डॉट नहीं आई हुई है किसी फुल फॉर्म के साथ तो हम केवल एस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप देखिए इनमें डॉट आई है, सब में फुल स्टॉप आया है तो आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इनका बहुवचन बनाया, लेकिन इनमें आपको डॉट दिखाई नहीं दे रही है और इसलिए आपने क्या किया, इनमें केवल एस का प्रयोग किया। ठीक है, अगला नियम देखिए, कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए कुछ कंपाउंड नाउन कैसे होंगे जिनके लास्ट वर्ड में, ऊपर भी आया था ये और यहाँ पर भी आया है। ठीक है, लास्ट वर्ड में आपने ऊपर भी तो जोड़ा था, उन्हीं के साथ इनको भी याद कर लेंगे। जैसे गुड फॉर नथिंग, देखिए गुड फॉर नथिंग का मीनिंग होता है बेकार की वस्तु, तो नथिंग में एस लगा देंगे, इससे हो जाएगा बहुत सारों के लिए प्रयोग हुआ ये, है ना। लुक आउट, लुक आउट्स ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए टच मी नोट, टच मी नोट प्लांट कौन सा होता है, छुई मुई का पौधा, इसमें हम एस लगा देंगे अगर हमें बहुत सारे पौधे दिखाने छुई मुई के। ठीक है, पिक मी अप, इसमें क्या होता है, मदिरा होती है, पिक मी अप मदिरा आप जानते हैं सभी, है ना, उसमें अगर हम एस लगा देंगे तो बहुत सारी मदिरा हो जाएगी। गो बिटवीन होता है बिचौलिया, अगर हम इसमें एस लगाएंगे तो बहुत सारे बिचौलिए हो जाएंगे। फॉरगेट मी नोट, नीले रंग का फूल होता है एक, और अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो बहुत सारे नीले रंग के फूल हो जाएंगे। आगे चलिए, अगला नियम है कुछ विदेशी भाषा के नाउन के प्लूरल निम्न नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। देखिए पहला नियम, यदि वर्ड में आई आया हुआ हो तो उसके उस शब्द के बाद वाले आई को ई में बदल कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए इन्होंने कहा कि यदि वर्ड में आई आया हुआ हो तो क्या करेंगे, उस वर्ड के बाद वाले आई को, जो लास्ट में जो आई आता है, मतलब लास्ट में जो आपको आई दिखाई देता है, यानी कि बिल्कुल अंत में दिखाई दे, लेकिन और जो जो भी आई आए हुए हैं उनमें से जो लास्ट आई होगा उसको आप ई बना देंगे तो हम उस नाउन को प्लूरल बना देते हैं। जैसे आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है और हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले आई को क्या करेंगे, ई में बदल देंगे। अब देखिए आपको एनालिसिस दिख रहा है, इसमें भी हम आई को ई में बदल देंगे, तो ये बहुवचन है, ये इनके सिंगुलर है, ये इनके प्लूरल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्रिसिस है, क्रिसिस में दो आई दिख रहे हैं तो आपको जो दूसरा आई है, लास्ट वाला जो आई है उसको ई बनाना है, पहले को नहीं छेड़ना है। बेसिस है, बेसिस में भी आप ऐसा ही करेंगे, ये देखिए ये एक वचन होता है बेसिस और ये होता है बहुवचन। ठीक है, आगे देखिए थीसिस है, ठीक है अनुसंधान लेख बोलते हैं इनको, थीसिस में हम क्या करेंगे, आई को हटाकर अगर ई बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। आगे देखिए यदि किसी वर्ड के अंत में ओन या अम आया हुआ हो तो ओन या अम के स्थान पर क्या करेंगे, हम ए लगाकर प्लूरल बना देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आप यू एम आया है तो इन दोनों की जगह किसने ली, ए, ये हो गया इसका बहुवचन। आप बोलते हैं ना बैक्टीरिया हो रहा है इसमें, तो बैक्टीरिया एक वचन नहीं होता है, वो बहुवचन होता है, बैक्टीरियम होता है एक वचन। ठीक है, जैसे आगे देखिए क्रिटेरियन, इसमें ओ एन आया है, ओन को हटा के ए बना दिया, क्राइटेरिया बन गया, है ना, क्राइटेरिया यानी कि कसौटी, ये बहुवचन होता है, ये एक वचन होता है। डेटम, डेटम देखिए डेटम को डेटा बना दिया, ये डेटा जो होता है बहुवचन होता है, डेटम होता है एक वचन। डिक्टम, डिक्टम क्या होता है, सिद्धांत होता है, डिक्टम में से यू एम को हटाएंगे फिर से ए बना देंगे, डिक्टा बन गया। ठीक है, इसी तरह से जो है आपको इन सब के बहुवचन बनाने, अच्छी तरह से इन्हें पढ़ेंगे। अगला देखिए, यदि किसी वर्ड के अंत में यूएस यानी अस आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस अस के स्थान पर, ध्यान से सुनेंगे, अस के स्थान पर आई का प्रयोग करेंगे। ऊपर क्या किया था आपने, ये जो यू एम था या अम जिसे बोल रही थी मैं, यू एम या अम या ओ एन, ठीक है ओन, इनके स्थान पर आपने क्या किया था, ए का प्रयोग किया था। लेकिन नीचे क्या करेंगे, यू एम नहीं है, यू एस है, अगर ये है तो हम इसके स्थान पर आई का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्लेबस, स्लेबस में क्या है, यू एस है, तो हम क्या करेंगे, यू एस को हटाएंगे, आई लगाएंगे, स्लैबी। ठीक है,
टर्मिनस में भी देखिए आप, टर्मिनस में भी अस आया हुआ है तो टर्मिनी हो गया, अस हट गया। इसी तरह से आगे भी हटा है, रेडियस वगैरह में इनको आप देखेंगे। आगे देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो सबका अपना अपना अलग अलग नाम होता है। क्या उनका बहुवचन बन सकता है? क्या आप अपने नाम का बहुवचन बना सकते हैं? नहीं, लेकिन किसी कंडीशंस में उनका बहुवचन भी बन जाता है। जब मान लीजिए आपकी कक्षा में एक ही नाम के कई सारे विद्यार्थी हो, 10 विद्यार्थियों का नाम एक ही हो या 4 विद्यार्थियों का, तो हम अलग अलग का नाम ना लेके हम ये कह देंगे कि इतने हमारी क्लास में राम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि राम नाम के इतने लड़के हैं हमारे क्लास में। जैसे ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन का प्लूरल नाउन बनाया जाता है। देर आर टू सुमन्स इन माई क्लास, देर आर टू सुमन्स इन माई क्लास मीन्स मेरी कक्षा में सुमन नाम की 2 लड़कियाँ, तो सुमन्स बना दिया, ठीक है। टू सुमन्स यानी कि 2 सुमन है मेरी क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल किसी किसी कंडीशन में बना सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर व प्लूरल किस प्रकार बनाया जाता है, जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस है, फर्नीचर है, चौक है, वोटर है, पोएट्री है, ब्रेड है, ज्वेलरी है और वर्क है। तो ये क्या है, सब अनकाउंटेबल है, इनको हम गिन नहीं सकते, इनको अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। तो इनके सिंगुलर कैसे दिखाएंगे हम, सिंगुलर तो हम इस तरह से दिखाएंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। ये हमेशा जो है जब हम इनको सिंगुलर दिखाते तो हम इनसे पहले पीस, आइटम, ड्रॉप, स्लाइस, आर्टिकल इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पहला वर्ड है एडवाइस, तो एडवाइस के लिए हम दिखाएंगे सिंगुलर में अ पीस ऑफ एडवाइस। ऐसे ही फर्नीचर के लिए देखिए, फर्नीचर को हम दिखाएंगे एन आइटम ऑफ फर्नीचर। यदि हमें फर्नीचर का कोई आइटम दिखाना है, हम ये नहीं कहेंगे कि 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर। ऐसे ही जैसे चौक है तो चौक में क्या करेंगे, अ पीस ऑफ चौक, ठीक है, पीस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही वाटर, वाटर के लिए क्या करेंगे, वाटर की ड्रॉप होती है, बूंद होती है, तो अ ड्रॉप ऑफ वाटर सिंगुलर के लिए, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए पोएट्री का भी क्या होगा, पीस होगा, एक वही तो होगा उसका पीस पोएट्री का, कि भाई उसका एक टुकड़ा है पोएट्री का, पूरी पोएट्री थोड़ी ना है कोई पोएम। तो अ पीस ऑफ पोएट्री, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा होता है, ठीक है, स्लाइस बोलेंगे। ज्वेलरी आर्टिकल यानी कि सामान होता है ज्वेलरी का, और पीस ऑफ वर्क है ना, वर्क का भी कोई टुकड़ा ही होगा, कि सारा वर्क थोड़ी ना कोई कर देगा, एक टुकड़ा ही करेगा उसका, है ना। अब इनके हम क्या करेंगे, इनके बहुवचन कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे जो पहला वर्ड है अ पीस ऑफ एडवाइस, तो आ की जगह मैंने ने ली, ठीक है। आइटम से पहले हमने टू का प्रयोग किया, अगर यहाँ पर ज़्यादा आइटम होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, हम उनका प्रयोग करेंगे। अगर हमें काउंटिंग नहीं की जा रही तो हम मैनी आइटम्स बोल देंगे, ठीक है। आगे देखिए ऐसे ही इनमें भी हम इसी की तरह प्रयोग करेंगे। पानी के लिए देखिए, जब हमें बहुवचन दिखाना, मैनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मैनी पीसीज ऑफ पोएट्री, इस तरह से हम सबके प्लूरल बनाएंगे। आगे भी वर्ड है, इनको आप देखेंगे, पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, मैनी पीसीज ऑफ पेपर, एब्यूज, अ वर्ड ऑफ एब्यूज, मैनी वर्ड्स ऑफ एब्यूज, इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या है, कुछ करेक्शन करने आपको रूल के अकॉर्डिंग। देखिए पहला है ही गेव एन एडवाइस, ये सही है क्या, ही गेव एन एडवाइस। अभी बताया कि हम ऐसे इनका सिंगुलर नहीं बना सकते, एन एडवाइस थोड़ी ना प्रयोग करेंगे हम, हमें अगर एक एडवाइस दिखाने हैं तो हम क्या बोलेंगे, ही गेव अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। इनको आप 11 के 11 को याद कर लीजिए, इनको आप ए या एन का प्रयोग करके नहीं, बल्कि जैसे बताया है सिंगुलर इस तरह से लिखेंगे, प्लूरल इस तरह से लिखेंगे। आगे देखिए दूसरा रूल, देखिए दूसरा रूल है डोजन, 100,000, मिलियंस, पेयर का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा होता है, अलग नहीं होते। जैसे देखिए आप यहाँ पर देखिए, आई हैव 200 बुक, तो 100 में एस लगाना गलत होगा यहाँ पर। जब 100 से पहले कोई नंबर आया हुआ हो तो हम उसमें एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। 100 में अगर हमें एस लगाना है तो हमें काउंटिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और 100 के बाद ऑफ आता है जब हमें उसका प्लूरल दिखाना होता है 100 का, लेकिन वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। जब कोई काउंटिंग 100 से पहले आई हुई है तो हम 100 को सिंगुलर ही लिखेंगे, क्योंकि ये अपने आप ही बहुवचन दिखा रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखना गलत होगा, नीचे वाला सेंटेंस सही है।
आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यू हैव टू पेयर ऑफ शूज। देखिए टू पेयर्स करना गलत होगा, पेयर होना सही होगा, क्योंकि टू वही वाली बात है कि भाई जब टू आया हुआ है वो पहले से उसे बहुवचन दिखाना, तो पेयर्स का क्या मतलब है ना। आगे चलिए, डजन थाउजेंड्स हंड्रेड प्लस ऑफ प्लस प्लूरल, इनका प्रयोग होता है कि डजन के बाद डजन हो या हंड्रेड हो या थाउजेंड हो, थाउजेंड या हंड्रेड जो भी हो या डजन हो, ये वर्ड अगर आते हैं एस लग के, ठीक है, अगर ये वर्ड एस लग कर आते तीनों ही, तो इनके बाद मैंने अभी आपको ऊपर भी थोड़ा सा बताया था कि ऑफ का प्रयोग होता है, और इनके बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर थाउजेंड्स के बाद थाउजेंड में एस लगा हुआ है क्योंकि, तो हम क्या करेंगे ऑफ का प्रयोग करेंगे, और जो भी नाउन यहाँ आएगा जैसे स्टूडेंट आया तो आप इसमें एस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्ट दिस एग्जाम, तो इस तरह से ठीक होगा। दूसरा देखिए, डोजन में भी एस लगा हुआ है तो ऑफ आएगा, और जो नाउन आएगा वो भी बहुवचन आएगा। द डजन्स ऑफ बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 स्टूडेंट। देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये जो है आपके सिंटैक्स वाले चैप्टर में काफ़ी काम आएगा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट रूल्स है रिगार्डिंग नंबर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। आगे देखिए, तीसरा रूल है कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन। देखिए जब हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव हो हाइफन, तो हमें हाइफन का यूज करना है उसके और नाउन के बीच में, और जो उसके बाद नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए जब कार्डिनल एडजेक्टिव हो, और सिंगुलर नाउन के बाद आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये है फाइव टू रूम फ्लैट, तो देखिए फाइव आया टू आया रूम आया फ्लैट्स आया, ये क्या है आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि दो दो फाइव और टू क्यों आए, है ना। देखिए सबसे पहले जो फाइव है, ये जो फाइव है ये एक एडजेक्टिव है, जब सॉरी एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है। जब मैं आपको ये चैप्टर टीच करूँगी सारे, मैं आपको बहुत अच्छे से इनको बताऊँगी। और जो ये टू रूम्स है दोनों मिलाकर बना है ये एडजेक्टिव, ठीक है एडजेक्टिव, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है ये क्या है, ये तो एडवर्ब है, इसको तो आप अलग ही रखिए, ये है कार्डिनल एडजेक्टिव। तो इसके बाद हालांकि ये भी इसका ही हिस्सा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक हाइफन रखना है, ठीक है, और जो इसके साथ कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ जो भी नाउन आ रहा है सिंगुलर फॉर्म में आएगा। वास्तव में अगर देखें तो नाउन ये है, ठीक है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है। फाइव टू रूम्स फ्लैट की, पांच दो कमरों वाले फ्लैट, ठीक है, देखिए पांच दो कमरों वाले फ्लैट्स, फ्लैट की बात हो रही है यहाँ पर, फ्लैट्स की बात हो रही है, कितने फ्लैट्स की बात हो रही है, पांच फ्लैट्स की बात हो रही है। क्या खास बात है उनकी, कि उनकी खास बात ये है वे दो रूम के हैं, तो ये उनकी खास बात है। नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इन फ्लैट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वे दो रूम वाले हैं, और दो रूम वालों के बारे में भी एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, ये फाइव दे रहा है। तो ये क्या है, जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव होता है, जो और जो एडजेक्टिव के वे मॉडिफाई कर रहा है वो उसका एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है, इन पर तो आप ध्यान ही नहीं देंगे, आपको क्या बताया कि भाई आपको केवल नाउन का चैप्टर पढ़ना था, आपको नाउन का सही यूज करना आना चाहिए कि भाई अगर ऐसे दो दो बार ये आ रहे हैं कार्डिनल नंबर, तो आपको इनके बाद जो नाउन आ रहा है उससे पहले एक हाइफन रखना है, उसको सिंगुलर फॉर्म में रखना है, और जो अगला नाउन आएगा उसको आपको प्लूरल फॉर्म में रखना है। जैसे आगे भी आप देख लीजिए, आगे क्या एग्जाम्पल, टेन फाइव रुपीज नोट, ठीक है रुपी नोट, तो टेन फाइव रुपी नोट, रुपी को आप रुपीज नहीं करेंगे, ठीक है, टेन एडवर्ब है, फाइव रुपी एडजेक्टिव है, और नोट्स नाउन है। वन ईयर डिग्री कोर्स, वन क्या है एडवर्ब है, ईयर डिग्री कोर्स ये क्या है, ईयर यानी ईयर डिग्री कोर्स यानी कि ये ईयर क्या है, ईयर डिग्री यानी कि ये एडजेक्टिव है, और कोर्स क्या है एक नाउन है, ठीक है। आगे देखिए, टेन माइल अ टेन माइल वॉक, देखिए टेन माइल, ये जो टेन है और ये जो माइल है, ठीक है, यहाँ पर आप आपको तो अलग रख दीजिए, टेन माइल को देखिए ये एडजेक्टिव है, ये जो आ है ये इनका डिटरमाइनर है, ठीक है, और वॉक क्या है ये एक नाउन है। आगे देखिए, टू मैन कमेटी, टू मैन क्या है ये एक
क्या है, कार्डिनल नंबर है, टू कार्डिनल नंबर है, ठीक है। और उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो हमें क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। आपको ध्यान केवल ये रखना है जब ये नंबर हो, चाहे वो एक नंबर हो या दो नंबर हो, उनके बाद अगर नाउन आते हैं, उन नाउन में से जो इसके तुरंत बाद वाला नाउन है उससे पहले एक हाइफन आएगा, नाउन जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगले वाला नाउन आप जैसे प्लूरल भी लिख सकते हैं, सिंगुलर भी लिख सकते हैं, वो उसकी पोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देखिए अगला नियम, इट इज वन ईयर, अच्छा आगे एक एग्जाम्पल और रह गया, इट इज वन ईयर्स डिग्री कोर्स। तो वन के साथ ईयर्स का क्या मतलब है, जब नंबर अपने आप शो कर रहा है वो तो वैसे भी क्या है, एक उसको ही दिखा रहा है, किसको, उसकी सिंगुलर फॉर्म को दिखा रहा है, वन तो अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके एस क्यों लग रहा है। दूसरा उसमें क्या, जब वन और टू के बाद कोई नाउन है उसके बाद हाइफन भी तो आना है वन टू के बाद, तो ये भी यहाँ पर यूज होना चाहिए। और दूसरा इसमें एस का प्रयोग तो होना ही नहीं है जब अपने आप नंबर दे रखा है इसके लिए। आगे देखिए, टू फाइव टेन प्लस प्लूरल नाउन, देखिए इनके बाद जो भी नंबर होते हैं, जरूरी नहीं टू फाइव टेन ही हो, जितने कोई भी नंबर हो, सेवन सिक्स एक्स एक्स्ट्रा, उनके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है अगर एक ही नाउन की बात हो रही है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, अगर बात हो रही है दो नाउन की, आपको दो नाउन दिखाई दे रहे हैं तो आपको पहला नाउन सिंगुलर रखना है, दूसरे को आप जो है उसकी पोजिशन के हिसाब से रख सकते हैं, कैसे है ना कि भाई अगर, क्योंकि देखिए टेन फाइव रुपी नोट, ये टेन जो है नोट टेन की बात हो रही है ना, ऐसे ही यहाँ पर जो है ये जो है एक की बात हो रही है वोक की, तो इसके हिसाब से ये वाला नाउन डिपेंड करेगा कि भाई ये प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा इसकी पोजीशन के हिसाब से। ये तो बात रही दो नाउन होने पर, बाद वाले नाउन डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एक ही नाउन हो और ये कार्डिनल नंबर हो, ठीक है, ये डेफिनेट नंबर आप इनको बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर ये तब होंगे जब जो है ये क्या करेंगे, जब ये एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, इनका सबका काम करेंगे, लेकिन ये डेफिनेट नंबर तब होंगे जब ये केवल एडजेक्टिव का काम करेंगे, ठीक है। तो या जब ये केवल एक बार ही आए हुए हो और इनके बाद नाउन भी एक ही आया हुआ हो, तो हम हमेशा उस नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, केवल सिवाय छोड़कर वन को, है ना, वन के बाद तो क्योंकि प्लूरल नाउन आ ही नहीं सकता है। आगे देखिए पांचवा नियम, सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन। अगर कोई नाउन सिंगुलर है ना, एक नाउन है और वही नाउन रिपीट हो रहा है और बीच में कोई प्रेपोजिशन है, तो ये नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है और ये वाला नाउन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे, इसको भी हम सिंगुलर ही रखेंगे। जैसे देखिए डे डे बीच में आफ्टर है, तो डे यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर डेज बन जाएगा, ये भी डे ही रहेगा, डे आफ्टर डे फ्रॉम डोर टू डोर। देखिए डोर के और डोर के बीच में टू आए, तो दोनों डोर सिंगुलर फॉर्म में ही है। रो अपोन क्या है, प्रेपोजिशन है, इन दोनों के बीच में आया हुआ है तो रो क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है आपको समझाने के लिए, डे आफ्टर डे हैज़ बीन पास्ड। देखिए डे आफ्टर डे हैज़ बीन पास्ड, क्या कि ये जो है डे आफ्टर डे इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, डेज आफ्टर डेज ये वाला गलत है और ये वाला सही है, क्योंकि डे आफ्टर डे तो होना चाहिए और ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, डे आफ्टर डे हैज पास्ड हैज बीन पास्ड, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। आगे देखिए हाफ एंड नंबर ऑफ नाउन, ठीक है, हाफ एंड नंबर्स ऑफ नाउन, कि हाफ आएगा वर्ड और उसके बाद जो है नंबर्स ऑफ नाउन आएंगे, कि भाई कितने नाउन, मतलब एन है या कितना है, उनके बाद जो है नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे देखिए हाफ के बाद ए या एन, या हाफ के पहले ए का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, ए के, देखिए हाफ के पहले ए आ सकता है या फिर हाफ के बाद एन या ए आ सकता है, ये बात इन्होंने बोली है। यदि उसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, यदि हाफ के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है तो हाफ के पहले ए भी आ सकता है और हाफ के बाद ए या एन भी आ सकते हैं, ठीक है, अगर उसके बाद, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई नाउन जो आएगा बाद में जाके वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखें हाफ एन आर, आर होता है घंटा, यहाँ पे ये नहीं कि आप आर्स कर देंगे, घंटे कर देंगे, घंटा ही रहेगा, ठीक है, आ हाफ आर तब भी ये ठीक है, लेकिन आर में एस नहीं होना चाहिए, आ हाफ आ पाउंड ये भी ठीक है लेकिन इसमें एस नहीं होना चाहिए,
हाफ पाउंड, ये भी सही है ठीक है, कि जब हम हाफ के साथ ए आई एन का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें नाउन सिंगुलर रखना है ठीक है। हाफ वाले नियम आएंगे अब आपके साथ। आगे देखिए अगला नियम, यदि वन एंड आ हाफ का प्रयोग हो तो हमेशा प्लूरल माना जाता है और प्लूरल नाउन हमेशा हाफ के बाद आता है। देखिए क्या कहा कि वन एंड आ हाफ, तो अपने आप ही आपको पता चल रहा है डेढ़ की बात हो रही है, एक से तो ज़्यादा ही है तो प्लूरल है, अपने आप एक से ज़्यादा ही तो प्लूरल होता है, जब डेढ़ है तो एक से ज़्यादा तो है वो, तो एक से ज़्यादा तो प्लूरल ही होता है। यही इन्होंने कहा है कि भाई तो प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल नाउन हमेशा हाफ के बाद लगेगा, जो भी प्लूरल नाउन बनेगा वो हाफ से अगले वाला वर्ड बनेगा ठीक है। जैसे इन्होंने कहा वन अ हाफ किलोमीटर, वन एंड अ हाफ किलोमीटर, एक और आधा किलोमीटर, तो किलोमीटर में ही एस लगेगा क्योंकि ये हाफ के बाद आया है। ये नियम ध्यान रखना है, इनको आप याद करेंगे। याद करने का तरीका मैंने बताया कि वीडियो को कई कई बार देखिए। वन एंड अ हाफ माइल, एक और आधी माइल, माइल में क्या लगेगा एस लगेगा, माइल्स हो जाएगा। वन एंड अ हाफ आवर्स ठीक है, जब एंड हाफ आ जाए वन के साथ तो हम उसको प्लूरल मानेंगे और जो भी नाउन आएगा हाफ के बाद उसमें एस का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए हेयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये आपको पता ही है कि भाई हेयर को हम सिंगुलर मानते हैं और हेयर में एस भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हो जाता है हम उसको काउंटेबल मान लेते हैं, वो नोट में यहाँ पर ऐड किया गया है। जब वस्तु जब हेयर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है, कि जब हेयर का प्रयोग एक काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है, जबकि हेयर काउंटेबल है नहीं लेकिन किसी कंडीशन में हो भी जाते हैं, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वैसे तो हेयर, अगर हम सारे हेयर की बात करें तो उनको तो हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन हम अगर सारे में से थोड़े हेयर की बात करें तो उनको हम प्लूरल मान लेते हैं। जैसे देखिए फाइव ऑफ योर हेयर्स आर वाइट, कि तुम्हारे बालों में से जो पांच बाल है वे क्या है सफ़ेद है, तो अब पांच बाल की बात हो रही है तो हम इनको बहुवचन मानेंगे, लेकिन अगर सिर के सारे बालों की बात होती है तो वो सिंगुलर रहता है ठीक है। आगे चलिए शिवंस, यह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अतः इसके साथ इसके पहले ए का प्रयोग भी किया जाता है, इसमें ई एस लगाकर इसका प्लूरल भी बनाया जाता है। देखिए सिमंस क्या है, एक सिंगुलर नाउन है ठीक है, तो इससे पहले आपको ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एस लगा हुआ है, तो ये एस लगे होने का मतलब ये नहीं कि ये बहुवचन है, ये एक ही वचन है और इसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो हम इसके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है द कोर्ट हैज़ इशूड अ समन्स ठीक है, कोर्ट हैज़ इशूड फाइव समन्स, देखिए एक वचन और बहुवचन ठीक है। आगे चलिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दिखने में प्लूरल लगते हैं परंतु वास्तव में वो सिंगुलर ही होते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए देखने में आपको भी बहुवचन लगेंगे लेकिन होते हुए एक वचन है, मैंने ये आपको क्लास में भी बताया था, मैथमेटिक्स में हमेशा ऐसा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुवचन है, फिजिक्स में देखिए लेकिन ये बहुवचन नहीं है, इकोनॉमिक्स सिविक्स ये सारे जो है ये देखने में आपको बहुवचन लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको देखिए मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक रोचक सब्जेक्ट है विषय है। आगे देखिए परंतु जब किसी विषय सब्जेक्ट के नाम के पहले दा या पजेसिव केस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन से शब्द देखें यहाँ पर, शब्द कौन कौन से हैं, माई हेज हर योर दियर, इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है, पजेसिव केस बोलते हैं इनको, जब मतलब पजेस दिखाते हैं अधिकार दिखाते हैं, मेरा तुम्हारा ये शब्द जब आते हैं इंग्लिश में किसी, कब, जब किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट हो उसके नाम के पहले आता है, सब्जेक्ट समझ गए आप, सब्जेक्ट यानी कि विषय, विषय के नाम से पहले अगर ये वर्ड आ जाते इस तरह के जो पजेस को दिखा देते हैं, जरूरी नहीं ये इनके जैसे और भी वर्ड, तो क्या होता है उनका अर्थ बदल जाता है सब्जेक्ट का ठीक है, सब्जेक्ट का फिर वहाँ पर अर्थ बदल जाता है इनका, तथा उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप नीचे देखिए योर मैथमेटिक्स इज नॉट गुड,
तुम्हारा मैथमेटिक्स जो है अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैथमेटिक्स से पहले योर आ गया, पजेसिव वर्ड आ गया, तो अब आप मैथमेटिक्स को सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। योर मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। जैसे इकोनॉमिक्स, अगर हम अकेले इकोनॉमिक्स की बात करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स से पहले ये वर्ड आ जाते हैं तो हम उसको हमेशा प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, नेम ऑफ डिजीज। डिजीज क्या होती है? बीमारियाँ, ठीक है। जो बीमारियाँ होती हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लेंगे, ये बीमारियों के नाम है। इनके साथ क्या होगा, इनको भी हम हमेशा सिंगुलर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये दे रखे, एग्जाम्पल दे रखा है, इसके साथ इज आएगा, आर का प्रयोग नहीं होएगा, ठीक है। आगे चलिए, नेम ऑफ गेम्स। ये यहाँ पर गेम्स दिए हुए हैं, कुछ गेम्स आप जानते हैं, ये गेम्स दिए हुए हैं, इनके साथ भी आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि देखने में आपको प्लूरल लगेंगे सारे ही, सब प्लूरल दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसे इनके लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनको आप अच्छी तरह से सबको पढ़ लेंगे, इनके नामों को पढ़ लेंगे, जिसकी हिंदी नहीं आती है वो मुझसे पता करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, नेम ऑफ बुक्स। कुछ बुक्स यहाँ पर ऐड की गई है, इनको आप देख लेंगे। ये यहाँ पर है अरेबियन नाइट्स है, स्टोरी ऑफ टू किंग्स है, ऐसी बहुत जो ये बुक्स होती है जिनके लास्ट में आपको एस दिखाई दे रहा है, ऐसी कहानी, ऐसी किताबों के नाम, उनको भी आप क्या मानेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे। हालांकि आपको एस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब बहुवचन है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ प्लूरल दिए गए हैं, उनके हिंदी में अर्थ दिए गए। देखिए यहाँ पर ये आपको देखने में सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये है प्लूरल। ये जैसे कि देखिए, मैं आपको हिंदी भी साथ साथ दिखाती चलूँगी। पहला वर्ड देखिए आप, जो ये है देखने में, जो आपको ये सारे ही सिंगुलर लगेंगे, लेकिन ये सारे ही प्लूरल हैं। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, मतलब बहुवचन है, बहुत सारे मान के चलिए आप इनको। शीप मीन्स भेड़, बहुत सारी भेड़ की बात होगी। फिश मीन्स होगी मछलियाँ, ठीक है, मछली। कैटल पशु होंगे। जेंट्री सज्जन व्यक्ति होंगे, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत सारों के लिए आते, कभी भी एक के लिए नहीं आते। पोल्ट्री होती है मुर्गियाँ, और फोक होता है जनता, पीपल होते हैं लोग, पोलिश होती है पुलिस, ऑडियंस होती है श्रोता, क्लर्गी होता है पादरी, और कैवलरी होता है घुड़सवार, सेना, ठीक है। और इन्फेंट्री होता है पैदल जाने वाला, और इंसानिया होता है चिन्ह प्रतीक, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर इसमें एग्जांपल में थोड़ी मिस्टेक होगी, इसे ठीक कर लीजिए, एस हटा लीजिए इन दोनों में से, ठीक है, एस हट जाएगा। तो कौन से वाला सही है आप ही बताइए। कैटल इज सीटिंग दियर, कैटल आर सीटिंग दियर, तो आर वाला सही है, क्योंकि कैटल में एस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि प्लूरल है, ज़्यादा पशुओं के लिए आता है। आई सा मैनी शीप्स इन द फील्ड, आई सा मैनी शीप इन द फील्ड, तो शीप्स ठीक है या शीप ठीक है? शीप ठीक है ना, सेकंड वाला ठीक है, क्योंकि शीप क्या है, पहले से ही बहुवचन है, इसे बहुवचन बना ही नहीं सकते। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस, तो पुलिस इज नहीं, पुलिस आर ठीक होगा, ठीक है, सेकंड वाला ठीक होगा। आगे चलिए, एक नोट है यहाँ पर, आपको हमेशा बताया गया कि न्यूज एक क्या है, सिंगुलर नाउन है। जब ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होगा टाइडिंग्स, ठीक है। आगे चलिए, अगला नोट, इधर ऑफ द, निधर ऑफ द, और आगे है ईच ऑफ द, ये तीन वर्ड आप याद कर लेंगे। इनके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, हमेशा बहुवचन वाला नाउन आएगा, और बहुवचन भी क्या, दो का बहुवचन, ठीक है। हमेशा ये जो वर्ड है, ये दो स्पेशली, ये दो इंसानों के लिए प्रयोग होते हैं। ये दो के लिए भी हो जाता है, दो से ज़्यादा के लिए भी हो जाता है, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। दो के लिए भी प्रयोग हो सकता है ईच, और दो से ज़्यादा के लिए भी, लेकिन ये दो जो वर्ड है, इधर और इधर, ये हमेशा दो इंसानों की बात करते हैं। बहुवचन तो होता है, लेकिन दो का होता है, दो से ज़्यादा का नहीं होता है। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो होते हुए भी सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना, और ईच के साथ भी ऐसे ही है, दो होते हुए भी इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए एग्जांपल में, ईच ऑफ द टू बॉयज आर गोइंग टू आगरा, गलत है ये, क्यों? क्योंकि आर का प्रयोग नहीं होना है, यहाँ प्रयोग होना है इज का। क्यों होना है? क्योंकि यहाँ पर देखने में तो हमें बॉयज लग रहा है, बहुत सारे लड़के दो लग रहे हैं, लेकिन बात एक के बारे में हो रही है। इस सेंटेंस की अगर मैं हिंदी बताऊँ आपको, तो हिंदी है, दोनों में से एक लड़का आगरा जाएगा, काम तो एक ही करेगा जाने का, दोनों थोड़ी करेंगे, दो में से एक की चॉइस रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए सिंगुलर वर्ब आती है। इसमें क्या है, नीदर ऑफ द टू बुक्स इज माइन, दोनों में से कोई सी भी किताब मेरी नहीं है, है ना, दो में से एक लेनी थी उसे, उसने तो एक भी नहीं ली, तो यहाँ पर चॉइस जो अगर उसकी होती तो एक के लिए होती, ज़्यादा के लिए नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर वर्ब आई है। आर का प्रयोग होना गलत है इधर और नीदर के साथ, आगे देखिए, और ईच के साथ भी। अब आगे कुछ और वर्ड दिए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, यहाँ पर पाँच वर्ड आए हैं,
वन ऑफ द, ईच ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द, एवरी ऑफ द, ठीक है, ये पांच वर्ड है। अब देखिए इसमें ईच ऑफ द यहाँ पर भी आ गया, ईच ऑफ द का ये यहाँ पे नोट भी मैंने यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ईच ऑफ द का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी किया जाता है, दो के लिए भी किया जाता है और दो से ज़्यादा के लिए भी। तो यह है नियम क्या है, अपवाद है एक, ठीक है। ये दो के यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में भी दिखा रखा है, ईच ऑफ द टू बुक्स इज गुड, की दोनों ही बुक जो है दोनों में से दोनों ही बुक अच्छी है। अगर हम दोनों बुक की बात करें तो अलग अलग बात करें तो ये अपनी जगह अच्छी है और ये अपनी जगह अच्छी है, दोनों बुक अलग अलग करके अच्छी है। अब यहाँ पर फाइव बुक के लिए भी वही बात हो रही है, तो दोनों के साथ ही क्या है ये ईच का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं रखना है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, कभी आप एस को देख के यहाँ पर प्लूरल लगा दो, ठीक है। ईच पर भी ध्यान दीजिएगा कि ईच ऑफ द का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी कि कभी आप यहाँ पर एस देखकर प्लूरल लगा दो, इधर ऑफ द और निधर ऑफ द का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही इनके साथ भी है, ये जो वर्ड है वन ऑफ द, ईच ऑफ द, इनका भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और नाउन हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। जैसे बॉयज देखने को मिल रहा है आपको, बुक्स देखने को मिल रहा है, ये प्लूरल है, लेकिन जो इज आर एम है वे सिंगुलर है, ठीक है। आप देखिए इनके लिए भी एग्जाम्पल, ये हमेशा जो चार वर्ड है इसको छोड़ के, ये चार वर्ड ये हमेशा दो से ज़्यादा की बात करते हैं, ये दोनों की बात करता है, दो की भी और दो से ज़्यादा की भी। देखिए लेकिन नियम सब पे एक जैसे ही है कि इनके साथ नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए वन ऑफ द फाइव बुक्स इज माइन, देखिए नाउन प्लूरल आया, वर्ब सिंगुलर आई इनके साथ भी, ठीक है। नन ऑफ द टेंथ स्टूडेंट्स हैज स्टोलन माई मोबाइल, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब क्या है सिंगुलर है। आगे देखिए अगला नियम है, देखिए अगले नियम को, मैनी ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, ठीक है। ये वर्ड आप ध्यान से देखेंगे, मतलब ध्यान ये रखना है कि जितने भी ऑफ द है उनके बाद जो वर्ब आती है वो सॉरी नाउन आती है वो प्लूरल आती है, ठीक है। लेकिन और ये जो होते हैं दो तो बात करते हैं दो की, इधर और निधर, बाकी सब जो है, और एक ईच वो दो की भी बात करता है, दो से ज़्यादा की भी, ठीक है। बाकी सब जो है वे दो से ज़्यादा की बात करते हैं बहुवचन में, लेकिन इन मैनी मोर सम ऑल इनको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इनके साथ नाउन तो प्लूरल आएगा, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। ऊपर क्या था, वर्ब सिंगुलर आ रही थी, तो इन चार को आप अच्छे से देख लेंगे, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें अब इनकी संख्या को निर्धारित नहीं किया इन्होंने, उसमें तो एक दायरे में बांध दिया था उनकी संख्या को, फाइव सिक्स सेवन ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, कन्फ्यूजन है कि कितने हैं वे, तो इसलिए इनके साथ आएगा हैज या हैज आएगा, बहुवचन आएगा, ठीक है। अब नोट देखिए, बोथ का प्रयोग केवल दो के लिए होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तथा इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो आपको पता ही है कि बोथ मीन्स तो दोनों होता है ना, दोनों है तो दो के लिए प्रयोग होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कभी भी आप एक नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस में बोथ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बोथ ऑफ द टू ब्रदर्स आर वाइज, कि दोनों ही भाई क्या है, बुद्धिमान है। अब अगर आप कहने लगे बोथ आर नोट वाइज, तो नोट का प्रयोग गलत होगा बोथ के साथ आप कभी भी क्या नेगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। निधर का कर सकते हैं, देखिए निधर क्या है, निधर इज वाइज, एक भी होशियार नहीं है, है ना, लेकिन नोट का प्रयोग गलत होगा। आगे चलिए अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव ब्यूटिफुल आइज इज अनहेल्दी, अब देखिए मेरी क्या है, सुंदर आंखें हैं और अनहेल्दी है, तो क्या आना चाहिए इसमें, नन ऑफ देम, इधर ऑफ देम, बोथ ऑफ देम या एवरी ऑफ देम, कि वो नहीं है, ठीक नहीं है, कौन सी ठीक नहीं है बताओ इनमें से, नन ऑफ देम आना चाहिए, निदर ऑफ देम आना चाहिए, बोथ ऑफ देम आना चाहिए या एवरी ऑफ देम आना चाहिए, तो क्या करना है आपको, या तो हम लगाएंगे निदर ऑफ देम, उनमें से कोई सी भी ठीक नहीं है ना, ये निदर के साथ इज का प्रयोग आता है, बोथ के साथ क्या होगा, बोथ के साथ तो हम इज नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं देख के बताइए, ठीक
कि बोथ के साथ इज का प्रयोग होगा या आर का, बोथ के साथ आर का प्रयोग होगा, है ना। तो बोथ तो आप लगा ही नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर आया है इज, तो इज का भी ध्यान रखना है आपको। तो आर और बात हो रही है आँखों की, आँखें दो होती है, तो दो के लिए तो नीदर ऑफ देम आना चाहिए, तो नीदर ऑफ देम इज अनहेल्दी, उनमें से कोई सी भी क्या है खराब नहीं, सॉरी अनहेल्दी का मतलब होता है खराब, है ना, मतलब अस्वस्थ, अस्वस्थ नहीं है, दोनों ही ठीक है, यानी कि उसकी आँखें, है ना। आगे देखिए नन ऑफ देम, अच्छा आगे देखिए आई हैव फाइव फ्रेंड्स, मेरे पांच मित्र हैं, आर प्रोमिसिंग, आर आया है और फ्रेंड्स आया है, तो क्या होगा। अब आप देखिए आर आया है, इधर का प्रयोग नहीं होगा, दो की बात है ना, दो की बात तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो फाइव की बात हो रही है, इधर तो आ ही नहीं सकता, और निधर भी नहीं आ सकता क्योंकि दो की बात नहीं हो रही है ना। अब क्या है, आई हैव फाइव फ्रेंड्स, आर प्रोमिसिंग, ऑल ऑफ देम और नन ऑफ देम, इनमें से एक का आना है, तो अब क्या इनमें से आप किसको प्रयोग करेंगे, आप इनमें से ऑल ऑफ देम को प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंस में नहीं यूज करेंगे। पांच फ्रेंड और पांचों ही प्रोमिसिंग है, जब पांच जब ये फ्रेंड ही है तो प्रोमिसिंग ही तो होंगे। आगे चलिए, अब द एडजेक्टिव के पहले द लगाने से वह प्लूरल बन जाता है, ये देखिए दसवां नियम, एडजेक्टिव के पहले द लगाने से वह प्लूरल बन जाता है, ध्यान रखेंगे ये बात। आप पुअर के, रिच के, किसी के भी सामने ऐसे ही लगा देते हैं द, जैसे कभी देते हैं ना द पुअर, ये जैसे एक सेंटेंस होता है द रिच शुड शुड हेल्प पुअर, ठीक है, द रिच शुड हेल्प पुअर, कि अमीर को गरीब की सहायता करनी चाहिए, ये नहीं होगी इसकी हिंदी, ये होगी इसकी अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो दास लगने से ये रिच जो है, एक रिच नहीं रहा, बहुत सारे रिच हो गए, ऐसे ही बहुत सारे पुअर हो गए, बहुत सारे अंधे हो गए। ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, मतलब जो किसी के बारे में कुछ जोड़े, किसी इंसान के, मतलब इंसान है लेकिन है कैसा गरीब, इंसान है लेकिन है कैसा अमीर, इंसान है अंधा है, इंसान है गंजा है, इंसान है साहसी है, इंसान है ईमानदार है, तो ये उनकी कुछ क्वालिटी और उनकी जो है उनकी अवगुण है, गुण और अवगुण है ना, उनकी मेरिट और डीमेरिट है ये। एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर है द रिच इज हैप्पी इन द वर्ल्ड, तो क्या ये सही है। अभी बताया था रिच के साथ द लगने से बहुवचन हो गए, तो इसके साथ इज का प्रयोग गलत है, द रिच आर हैप्पी इन द वर्ल्ड होना चाहिए, है ना। आगे देखिए, अब आप सम इम्पोर्टेंट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स विद देयर डिफरेंट मीनिंग, कुछ यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पर प्लूरल नाउन दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ेंगे और इनकी हिंदी को भी पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ना है सभी को, देख लीजिए एक बार। जैसे ये देखिए, एमेंट है सुधार, चेन है जंजीर, सिंगुलर, ध्यान रखना है सिंगुलर है, और प्रैक्टिस अभ्यास, हाँ रिटर्न वापसी, फिजिक्स फिजिक्स सॉरी फिजिक दवा, एयर हवा, स्पेक्टिकल दृश्य, है ना, और प्रेमाइस सिद्धांत, पेन दर्द, मोरल नैतिक शिक्षा, कस्टम रीति रिवाज, अल्फाबेट वर्णमाला, मैनर तरीका, वर्क तरीका, वर्क यहाँ पे कार्य भी हो सकता है ना, क्वार्टर चौथा भाग, कलर रंग, वुड लकड़ी, वोटा पानी, सैंड रेत, इनको ध्यान से सुनते रहिए, 10 बार सुनिए वीडियो, पेपर कागज, फोर्स बॉल, गुड अच्छा, एडवाइस सलाह, रिगार्ड अदर, नंबर संख्या, ऑर्डर सही कर्म, ग्रीटिंग अभिनंदन, अब्यूज गाली देना, देखिए ग्रीटिंग में एस लगा हुआ है, ग्रीटिंग्स है, इफेक्ट प्रभाव, आयरन लोहा, ग्राउंड जमीन, एक्सपीरियंस अनुभव, ये सब सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, ध्यान रखना है सिंगुलर में प्रयोग होंगे हमेशा, इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे, जो भी जा रहे हैं, जब जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो सिंगुलर प्रयोग करेंगे। आगे आप प्लूरल को देखिए, इनके प्लूरल कैसे बनते हैं, एमेंट्स, ठीक है, चेन्स, प्रैक्टिस, अब देखिए इनके प्लूरल बनने से ही क्या हो गया, इनके अर्थ बिल्कुल चेंज हो गए, तो कभी आप ये सोचने लगे कि एमेंड में एस लगा दूँ तो ये बहुत सारे सुधार बन जाएंगे, तो ये गलत होगा, इनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, एमेंड का एमेंड्स होते क्षतिपूर्ति हो जाएगा, चेन में एस लगते ही हथकड़ी हो जाएगा, देखिए बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाते हैं, इनके कभी प्लूरल नहीं बनते, ध्यान रखना आपको। प्रैक्टिस ये क्या हो जाएगा, परथाई हो जाएगा, एस लगते ही, है ना, रिटर्न में एस लगते ही क्या हो जाएगा, आय का विवरण हो जाएगा, फिजिक में क्या हो जाएगा, एस लगते ही भौतिक विज्ञान हो जाएगा, हवा में एस लगते ही क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, है ना, भाव। आगे देखिए, स्पेक्टिकल में एस लगते ही चश्मा हो जाएगा, स्पेक्टिकल था
तो दृश्य था स्पेक्टिकल्स, हुआ तो चश्मा हो गया। प्रेमाइश में एस लगते ही आसपास का पड़ोस हो जाएगा सिद्धांत से बदल जाएगा ये, इनके अर्थ बदल जाते हैं, बहुवचन बनते ही, इसलिए हम इनका बहुवचन नहीं बना सकते। बहुवचन मतलब ये इनकी, मतलब अगर हमें इनको प्रयोग करना है, ये प्रयोग करने हैं किसी सेंस में, मतलब हमें अगर छोटे मकान की इंग्लिश प्रयोग करनी है तो हम ये करेंगे, अगर हमें एक चौथाई का प्रयोग करना हो तो हम ये करेंगे, और एक चौथाई का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे। पेन दर्द होता है और पेन्स प्रयत्न हो जाते हैं, और मोरल नैतिक शिक्षा होती है, मोरल्स नैतिकताएं हो जाती है, कस्टम रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स राज्यकर हो जाता है, अल्फाबेट वर्णमाला होती है, अल्फाबेट्स भाषाएं हो जाती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, भाषाएं हो जाती है ऐसे लगते ही वर्णमाला से हटके। मैनर तरीका होता है, मैनर्स आचरण हो जाता है, तरीका और आचरण में अंतर होता है। तरीका कोई करने की जो हमारी ट्रिक होती है किसी काम को करने की, और आचरण जो हमारा व्यवहार होता है। ठीक है, वर्क जो है तरीका है या कार्य है, और वर्क्स होती है हमारी रचनाएं। क्वार्टर एक चौथाई भाग होता है, क्वार्टर्स छोटे मकान हो जाते हैं। कलर रंग होता है, कलर्स सेना का डंडा, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, कलर्स सेना का डंडा। वुड लकड़ी वुड्स जंगल, बिल्कुल बदल जाता है अर्थ। वोटा पानी वाटर समुद्र, रे सैंड रेत सैंड्स रेगिस्तान। पेपर कागज पेपर्स दस्तावेज, फोर्स बल फोर्सेज सेनाएं। अच्छे से देखेंगे, देखिए कितना ज़्यादा इनका अर्थ चेंज हो रहा है। गुड अच्छा, गुड्स सामान, एडवाइस सलाह एडवाइसेज सूचनाएं, रिगार्ड अदर रिगार्ड्स शुभकामनाएं, नंबर संख्या नंबर्स कविताएं। देखिए कितना डिफरेंस मीनिंग है ना। ऑर्डर सही कर्म ऑर्डर्स आधिकारिक आदेश, ग्रीटिंग्स अभिनंदन ग्रीटिंग्स शुभकामनाएं। देखिए इसमें अंतर नहीं है, ये ग्रीटिंग में मतलब अगर आप शुभकामनाएं लिखना चाह रहे तो भी हम ये यूज करेंगे, और अगर हम अभिनंदन लिखना चाह रहे तो भी हम ये यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर आप अभिनंदन के सेंस में लगा रहे हैं, अगर आप इसको शुभकामना के सेंस में लगा रहे हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, ये डिफरेंस होगा दोनों में। एब्यूज गाली, एब्यूजिज कुरीतियाँ, मतलब जो बुरी प्रथाएं चली आ रही है हमारे समाज में। हाँ, इफेक्ट प्रभाव इफेक्ट्स प्रभावशाली, केवल प्लूरल बनते ही सेंस बदल रहा है, बिल्कुल अर्थ बदल रहा है। और ध्यान रखना इनके साथ जो है आपको सिंगुलर वर्ब प्रयोग करनी है। जो इधर है, आयरन लोहा आयरन्स जंजीरे, ग्राउंड जमीन ग्राउंड्स कारण। ठीक है, और एक्सपीरियंस अनुभव एक्सपीरियंसेस क्या है, साहसिक कार्य। आगे देखिए, नाउन द नंबर एडजेक्टिव में एस सी एच लगाना और उसका प्लूरल बनाना, ये एडजेक्टिव थे। देखिए यहाँ पर बायगोन, ठीक है, अगर हम इसमें एस लगा देंगे बायगोन्स में तो गुजरे हुए दिन हो जाएंगे, और ये गुजरा हुआ होता है। ठीक है, ड्यू ड्यू से ड्यूजे ड्यूज तो क्या हो गया, बकाया राशि। एक्सप्लोसिव विस्फोटक एक्सप्लोसिव्स विस्फोटक वस्तुएं, मतलब ये जो है जो इनके बहुवचन बन रहे हैं वे नियम आप याद करेंगे, और जो भी एस सी आई एस लगाने वाले थे या बहुवचन बनाने वाले थे, केवल ये देखना है कि इनके अर्थ देखिए किस तरह से बदल रहे हैं। एडजेक्टिव से भी हम प्लूरल नाउन बना सकते हैं, मतलब ये इधर जो थे एडजेक्टिव थे, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे थे, उनके बारे में कुछ विशेष बात जोड़ रहे थे, लेकिन एस सी आई एस लगती है खुद ही नाउन बन गए, अब इन्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद अपने आप नाउन बन गए, और इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव से बने हुए नाउन। ठीक है, आगे चलिए, इनको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से या एक बार और देख लीजिए। वैल्यूएबल में अगर हम एस लगा दें, वैल्यूएबल्स मूल्यवान वस्तु हो जाती है, मूल्यवान से स्वीट मीठा से मिठाइयाँ हो जाती है एस लगते ही, असेंशियल से में एस लगते ही आवश्यक से आवश्यक वस्तुएं हो जाती है, बिटर से में एस लगने से कड़वा से कड़वी तीखी वस्तुएं हो जाती है, गुड़ में अच्छा लगने से सामान बन जाता है, एस लगने से सामान बन जाता है। नेसेसरी में जो अगर हम वाई को हटा कर आई ई एस लगाए, क्योंकि यही नियम है वाई को हटा के आई ई एस लगाने का, अगर कॉन्सोनेंट होता है वाई से पहले तो आवश्यक वस्तुएं बन जाती है आवश्यक से। ठीक है, आगे देखिए, ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है इंपोर्टेंट प्लूरल नाउन की। ठीक है, उनके मीनिंग की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, देखिए हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन एस लगा के प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस शुभकामनाएं, थैंक्स धन्यवाद, आर्म्स दान, ग्लासेस चश्मा, रिगार्ड्स शुभकामनाएं या सम्मान, इनमें एस लगता है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप इनको गलत लिखते हैं वो। सराउंडिंग्स वातावरण, टाइडिंग्स खबरें, देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा था न्यूज का प्लूरल है ना। रेन्स अवशेष, जब हम किसी चीज़ को बर्बाद कर देते हैं और उसके जो अवशेष बचते हैं, है ना।
एरियर्स बकाया राशि, लियर्स श्रोता, पिंशियर्स चिमटी, स्पेक्टिकल्स चश्मा। मतलब ये ध्यान रखना है जिन चीज़ों के दो हिस्से होते हैं, जैसे चिमटे के दो हिस्से होते हैं, चश्मे के दो हिस्से होते हैं ना, एक डंडी इधर होती है एक इधर होती है, तो जो दो हिस्सों में बटी हुई चीज़ें होती है वे हमेशा बहुवचन होती है ना। गूगल्स धूप का चश्मा, एमेंट्स संशोधन, पार्टिकुलर्स विवरण, बिलोंगिंग्स सामान, वैल्यूएबल्स कीमती सामान, ये आपने ऊपर भी पढ़े हैं ना, बहुवचन बनाए थे हमने एक वचन से। प्रोसीड्स मुनाफा, लोडिंग्स रहने का स्थान, वेजेज मजदूरी, पजामा है ना, पैंट्स पैंट, शूज जूते, सॉक्स मोजे, सॉक्स मोजे ट्राउजर्स पजामा, टोंग्स चिमटा, और सेविंग्स बचत, अर्निंग्स। देखिए सेविंग्स अर्निंग्स ध्यान रखिए, हमेशा ऐसे लग के आती है ये, बचत अर्निंग्स कमाई, रिमेन्स अवशेष होते हैं ये भी, फैंग्स डंक, डंक होता है जैसे बिच्छू वगैरह का होता है ना, गैलोज फांसी का फंदा, बिनोकुलर्स दूरबीन, टूल्स औजार, ड्यूजेस बकाया राशि, ड्यूज बकाया राशि, द मूवीज सिनेमा घर। देखिए मूवीज फिल्में होती है लेकिन द लगते ही सिनेमा घर, द मूवीज। पिक्चर तस्वीर होती है, पिक्चर्स तस्वीरें होती है, द पिक्चर लगते ही सिनेमा घर हो जाता है वो भी है ना। द इंसेंटाइन्स आते होती है, ग्रेन्स साग सब्जी होती है, ग्रीन में ऐसे लगते ही हरी साग सब्जियाँ बन जाती है, वेजिटेबल्स भी सब्जी होती है। द हिमालया हिमालय होता है, आपको पता है हमेशा हिमालय में ऐसा लगता है और उससे पहले दा लगता है। शीयर्स पेड़ पौधों के पत्ते काटने वाली मशीन। क्लोथ्स पोशाक होती है, आउटस्कर्ट्स ये बाहरी सीमा होती है, और रिचिज संपत्ति होती है। रिच में अगर आप ई एस लगा रहे, क्योंकि आपको पता है सी एच के सामने ई एस ही लगता है, नियम पढ़ा है आपने, तो अगर हम ई एस लगा देते हैं वो अमीर आदमी से क्या हो जाता है, संपत्ति बन जाती है। अगर हमें अमीर आदमी को बहुत सारे दिखाना है तो हम उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं, आपने ये नियम भी अभी ऊपर पढ़ा है। डूइंग्स कर्म, ईटेबल्स खाने की वस्तुएं, कन्फाइंस सीमा या हदें, फायरवर्क्स आतिशबाजी, स्केल्स तराजू, लिविंग्स क्या होगी जूटन, और मीन्स कमाई, और हेडक्वार्टर मुख्यालय, मेन मेन्स होती है प्रेत आत्माएं, नुप्टियल्स होती है विवाह संस्कार, टॉयल्स होते हैं शिकंजा या जार, थ्यूज होते हैं मांसपेशिया, और विनिंग्स होती है जुए की जीत। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद करनी है नियमों को पढ़ के, मैं इसको मैच कराऊंगी आपकी। आई थिंक आपको नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।